हेलो दोस्तों, नमस्ते, सस्रियाकाल, सलामुलाइकुम। एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। आज जो हम वीडियो करने जा रहे हैं, इसका टॉपिक ये है दोस्तों कि यूज्ड कार अगर आप ख़रीदने जाते हैं तो आपको कौन सा चीज़ आपको ख्याल रखना पड़ेगा। और मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ दुबई को मद्देनज़र हुए बना रहा हूँ। अगर दिल्ली में ख़रीद रहे, पुणे में ख़रीद रहे, आप पाकिस्तान में ख़रीद रहे, थोड़ा बहुत चेंजेस होगा, लेकिन मोर और लेस जो टिप्स एंड टिम्पनी मैं आपको शेयर करूंगा उसको थोड़ा सा ध्यान दें, उसको थोड़ा मेंटेन करने की कोशिश करें। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है आप गाड़ी को पहले पी मोड पे रख दीजिए। पी मतलब पार्किंग मोड। जैसे कि मैंने बोला, ये जो गाड़ी मैं अभी बोल रहा हूँ ये दुबई के बारे में बोल रहा हूँ। दुबई में अगर आप गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, ये यूएई में किधर भी आपको यूज़ कर खरीदने जा रहे हैं, सब लोग जो है रसलखोर या कोई डिवीजल में चेक करके जो प्री ओन्ड कार्स है उसमें सिलेक्ट करके आप खरीदने जाते हैं। तो ये सब कंपनियाँ जो है मैं शेयर कर रहा हूँ उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपका फ़ायदा होगा। तो पहले गाड़ी को पी मोड पर रख दीजिए, पार्किंग मोड पर गाड़ी को किधर भी खड़ा करके रख दीजिएगा। उसके बाद जो हैंड ब्रेक है उसको भी रिलीज मत कीजिए, हैंड ब्रेक रहने दीजिए। फिर जो एक्सीलेटर है, एक्सीलेटर को जोर जोर से प्रेस कीजिए, जितना जोर से हो सके, डरने की बात नहीं है, खरीदने से पहले चेक करना ज़रूरी है। तो वो बहुत ज़ोर से साउंड देगा, वो साउंड का शार्पनेस जो है वो उसमें बेस ज़्यादा रहना चाहिए, उसमें लगना चाहिए कि हाँ गाड़ी का इंजन का अच्छा साउंड आ रहा है, हूँ अच्छा साउंड आना चाहिए। ठीक है, वो साउंड के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। साउंड से ही आप सोच पर सकते गाड़ी का कंडीशन कैसा है, अच्छा साउंड आना चाहिए। जोर जोर से एक्सीलेटर को बहुत बार प्रेस कर दीजिए। हाँ, हो गया, प्रेस हो गया, ठीक है। अभी गाड़ी से उतरिए, उतर के पीछे जो एग्जॉस्ट है, कोई कोई गाड़ी में एक एग्जॉस्ट रहता है। अगर आप स्पोर्ट्स कार खरीदते हैं, निसान GT-R या जो भी मस्तांग जो भी है, अगर स्पोर्ट्स कार खरीदने जाते हैं तो उसमें दो एग्जॉस्ट रहता है। अभी एग्जॉस्ट का कंडीशन कैसा है वो देखिए, उसमें से क्या धुआं निकल रहा है, क्या है, क्या कंडीशन है अभी। अगर आप दिख रहे हैं उसमें से धुआं निकला है थोड़ा बहुत, जस्ट स्लाइट, फाइन, इग्नोर इट, ओके। इंजन का कंडीशन जो है मोर और लेस फाइन है, लेकिन उसमें से अगर बहुत सारा धुआं निकल रहा है और कंटिन्यूस निकलता ही जा रहा है तो समझ लेना इंजन का जो कंडीशन है वो बहुत ही बुरा कंडीशन है। तो इस हालत में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पसंद आ गया, अब क्या करेंगे, अभी दूसरा गरीब तो फिर से चेक करने जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। अगर उसी गाड़ी को ख़रीदना है क्या क्या करना पड़ेगा आपको, पहले इंजन ऑयल जो है वो चेंज करवा लेना पड़ेगा। तो जो बेच रहा है उसके साथ बातचीत कर ले, देखो भाई आपका इंजन का कंडीशन सही नहीं है। फिर एक मैकेनिकल इंजीनियर या जो भी आपका दोस्त लोगों में है जिसको गाड़ी के बारे में थोड़ा सा परख है, बेसिक नॉलेज है, उसको साथ में लेके जाना हमेशा फ़ायदेमंद होता है। तो ये सब चीज़ जो एक्स्ट्रा पैसा जो आपको खर्चा होने वाला है तो वो ओनर से थोड़ा बात कर लीजिए, देखो भाई तुम्हारा गाड़ी जो है तुम 50 तो बोल रहे हो लेकिन ये सब ये कंडीशन में तुम गाड़ी बेच रहे हो, इसमें मैंने कॉस्टिंग लगाया 6,500 का, 4,500 का और भी खर्चा आने वाला है, तो तुमको और भी थोड़ा डिस्काउंट देना पड़ेगा। फिर उस तरह से नेगोशिएट करके आप गाड़ी का जो सिग्नेचर है जो भी बैंक लोन का उसमें साइन कीजिए। बात पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर गाड़ी का चाबी जो है हैंड ओवर हो गया दोस्तों, उसके अकाउंट में पैसा चला गया, फिर ही लीगली आप उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले सकते। यू हैव टू डू योर ओन सर्विस एंड ओन कॉस्ट फ्रॉम योर ओन पॉकेट, ठीक है। तो वो सब अगर इग्नोर करना है तो फर्स्ट ऑप्शन इन्होंने बता दिया आपको, गाड़ी का इंजन चेक करना है। फिर दूसरा है गाड़ी का टायर जो है वो चारों टायर आपको चेक करना है। RTA का बहुत सारे टेस्टिंग पॉइंट है, शेख जायद में है, शारजा में, हर एक एमिरेट्स में 2-3 RTA का चेकिंग पॉइंट्स है जहाँ पर RTA लोग गाड़ी चेक करते हैं आपके लिए। 150 दरम, 130 दरम दे चेक एंड दे गिव अ सर्टिफिकेट। तो समटाइम्स क्या होता है, वो जैसे कि मैंने बोला, वो जो गाड़ी कार का मैकेनिक्स है वो फिजिकली टायर को चेक कर सकता है। जब आप भी अच्छा ड्राइवर बन जाएंगे, 4-5 साल का एक्सपीरियंस रहेगा, कार का जो टायर्स का जो ग्रूव्स रहता है उस ग्रूव्स का शार्प, वो ग्रूव हर एक ग्रूव जो है बराबर शार्पनिंग मेंटेन करना पड़ेगा। अगर वो स्मूथ हो गया तो गाड़ी का टायर जो है उसका चेंज करने का टाइम आ गया। या अगर वो फास्ट हैंड कार है तो ओनर को पूछ लीजिए कि हैव यू चेंज्ड योर कार टायर्स रिसेंटली, और डिड यू आफ्टर परचेसिंग द कार डिड यू चेंज एनी टाइम योर कार टायर। अगर वो बोलेगा नहीं, मैंने गाड़ी खरीदने के बाद मैंने 50,000 किलोमीटर चला लिया अभी तक टायर चेंज नहीं किया, तो लाजिम इम्पॉर्टेंट है, वो लाजिम आपको करना ही पड़ेगा, टायर आपको चेंज करना ही पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। टायर जो है वो गाड़ी के मॉडल के ऊपर है दोस्तों। अगर आप टोयोटा चला रहे हैं, कैमरी चला रहे हैं, कोरोला चला रहे हैं, तो आपका 17 AM का टायर आएगा, उसका कॉस्ट अलग है। अगर मस्तांग चला रहे हैं उसका टायर का थिकनेस अलग है, उसका प्राइस अलग है। तो ये सब प्राइस जो है जब गाड़ी आप फाइनलाइज कर लेते हैं, जो आप यूज़ कर खरीदेंगे, फाइनलाइजिंग के बाद भी बहुत सारे हिडन कॉस्ट ऊपर ऊपर से उठ के आएगा।
तो वो आपको हेल्प करता है कि नेगोशिएट करने में कि देखो भाई, क्योंकि जो बायर यूज कर बेच रहा है उसको भी जल्दी है कि भाई इसको भाई ये जो बला है इसको सर से बेच के फ्रेश हो जाओ, खाली हो जाओ, नया गाड़ी खरीदो। और आपका क्या बजट कम है, इसलिए आपको क्या करना है, अच्छा प्राइस में, कम प्राइसों में एक अच्छा सा डील पकड़ना है। तो ठीक है, तो जितना आप अटेंशन पे करेंगे आपका ही जेब में से पैसा कम लूटेगा, सिंपल बात है वो। तो ठीक है, टायर इंजन का हो गया, टायर का हो गया, अभी थोड़ा आता है गाड़ी के इंटीरियर्स में। अगर वो ऑटोमेटिक कार्स है दोस्तों, ऑटोमेटिक कार्स में क्या रहता है, बहुत सारे फंक्शंस रहता है, FM, AC, बहुत सारे फंक्शंस रहता है। पहले जो है AC वो चेक कर लीजिए, क्योंकि AC का सर्विसिंग कॉस्ट जो है वो 2500 से लेके 7000 तक हो सकता है। यस दोस्तों, इसके बारे में शायद आपको जानकारी नहीं है, AC का जो कंप्रेसर है वो बहुत एक्सपेंसिव एक यूनिट है। AC का कंप्रेसर बहुत एक्सपेंसिव है दोस्तों। अगर कंप्रेसर कोई भी गाड़ी का पुराना, गाड़ी 4 साल पुराना है, 3 साल पुराना है, उसका कंप्रेसर अगर सही तरह से सर्विसिंग नहीं हुआ, अगर आप खरीदा आपने गाड़ी और आपको कंप्रेसर सर्विसिंग के लिए आप जा रहे हैं, तो नया कंप्रेसर मिनिमम 7 से 8 हज़ार चाहिए नया कंप्रेसर के लिए। अगर वो गाड़ी एजेंसी सर्विस है, अगर वो गाड़ी निसान का है, टोयोटा का है, मर्सिडीज का है, जो भी है, अगर वो एजेंसी सर्विस है तो सर्विस हिस्ट्री चेक कीजिए कि AC का सर्विसिंग में कैसा उन लोगों ने गैप दिया है, कितना महीने में AC का सर्विसिंग किया, नहीं किया, तो AC का सर्विसिंग भी थोड़ा चेक कर लीजिए, क्योंकि ये सब चेक पॉइंट्स है। जितना आप चेक करेंगे, जितना आप अटेंशन पे करेंगे, आपका पैसा बचत होगा दोस्तों। AC का कर लिया अभी, तो तीन मैंने पॉइंट आपको बता दिया, एक है इंजन कर लिया, टायर कर लिया, AC का कर लिया, और दोस्तों चौथा जो चीज़ है दोस्तों वो है दोस्तों गियरबॉक्स। गियरबॉक्स किस तरह से चेक करना है दोस्तों, आपको एक अच्छा सा रास्ता चूज करना जो स्मूथ है, आप मेन रोड पे लेके जा सकते हैं, हाई रोड पे लेके जा सकते हैं। स्पीड में थोड़ा गाड़ी को पिकअप कीजिए, स्पीड में गाड़ी को पिकअप कीजिए, फिर थोड़ी देर जाके थोड़ा सा हार्ड ब्रेक कीजिए। हाँ, थोड़ा सा हार्ड ब्रेक करना पड़ेगा गियरबॉक्स को चेक करने के लिए। हार्ड ब्रेक करने के बाद फिर आपको परख में आएगा कि कितना स्मूथली वो गाड़ी रास्ते में ग्रिप कर रहा है। ठीक है, हार्ड ब्रेक करने के बाद इमीडिएट ही एक्सीलेटर को दबाना है, क्योंकि वो एकदम 0 से 120 नहीं, 0 से एटलीस्ट 60 तक कितना स्मूथली वो ट्रांजिशन होता है वो आपको चेक करना पड़ेगा। वही उससे पता चला गियरबॉक्स कितना अच्छा है, समझे? मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, हाईवे में या कोई अच्छा सा रास्ते में जहाँ पे क्लियर स्मूथ ट्रैफिक है, वहाँ पे थोड़ा स्पीड में चला लीजिए, 85 में या 100 में थोड़ा सा स्पीड मेंटेन कीजिए। 100 में गाड़ी चला रहे हैं, 100 में चल रहे हैं गाड़ी, थोड़ा सा लाइन चेंज करके थोड़ा सा 20 के रास्ते में आकर थोड़ा सा गाड़ी को थोड़ा सा ब्रेक कीजिए। वो ब्रेक करने के बाद आपको गाड़ी रास्ते में कितना ग्रिप कर रहा है, कितना स्मूथली ब्रेक हुआ है, वो थोड़ा सा परख कीजिए, चेक कीजिए। फिर गाड़ी जीरो करने के बाद, जीरो नहीं है, 20 करने के बाद फिर इमीडिएटली उसको थोड़ा सा प्रेस करके स्पीड एक्सीलेट कीजिए। फिर वही चेक करना पड़ेगा कि 0 से 65 या 85 वो भी कितना स्मूथली वो पिक कर रहा है, कितना स्पीड से वो पिक कर, कितना स्मूथ है। उससे आपका क्या पता चला, गियर बॉक्स में कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं, गाड़ी ख़राब नहीं होगा। अगर उस टाइम पे आपको लगता है हाँ भाई ये तो पिक नहीं कर रहा है, ये बिल्कुल 20 होने के बाद फिर 60 में लाना मुश्किल हो जा रहा है, फिर तो बॉस गाड़ी में बहुत लोचा है, गाड़ी का बहुत खर्चा निकलने वाला है। वो गियर बॉक्स जो है बेसिकली आपको 1 लाख के ऊपर अगर कोई गाड़ी आप खरीदने जाएंगे जो 1 लाख किलोमीटर चला लिया, उसमें तो ये खर्चा निकलेगा ही निकलेगा। तो ये भी आपका एजेंसी जो रिपेयरिंग सर्विस है उसमें चेक कर लीजिएगा, उसका गियर बॉक्स में कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं है, ये चेक करना पड़ेगा आपको लाजिम। सबसे लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, अभी आता हूँ प्राइस के बारे में। दोस्तों आप यूज कार जब खरीदने के लिए सोच रहे हैं, दिमाग पे प्लानिंग चल रहा है, हमेशा कोशिश करना दोस्तों जो प्राइवेट सेलर है उससे आप गाड़ी खरीदें दोस्तों, उससे आपका पैसे का बचत किन 70% आपको पैसा बचत हो जाएगा। बहुत अच्छा आपको डिस्काउंट प्राइस में प्राइवेट सेलर में के पास आपको मिलेगा। क्यों बोल रहा हूँ उसमें तो आपको एक बार सोचना पड़ेगा, जो आदमी गाड़ी अभी उसका पुराना गाड़ी बेच रहा है, यूज़ कार जो उसका पुराना गाड़ी बेच रहा है, उसके पास दो रीज़न है, एक तो है उसको नया गाड़ी ख़रीदना है, दूसरा रीज़न है उसका गाड़ी में कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स है जो वो मेंटेनेंस करके ठीक करना नहीं चाहता है, अभी बेच के फिर वो कुछ पैसा उसके हाथ में आ जाइए फिर वो नया गाड़ी खरीदे, ऐसा साइकोलॉजी रहता है। तो आप कौन सा ग्राफ में है, अगर आप उसके जो पुराना गाड़ी है वो अगर 6 महीने पुराना है, 1 साल का पुराना है, तो प्राइस जो है वो बहुत ही अच्छा रहेगा, मतलब
ऊपर का प्राइस रहेगा। वो फ्रास्ट एंड अगर 1,20,000 का है तो आपको ऐसा नहीं है कि 60,000 में 50 में मिलेगा, नहीं, वो 1,00,000 पे आपको मिलने का आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही गाड़ी 2 साल पुराना हो जाता है, किलोमीटर ज़्यादा हो जाता है, ये सब डिप्रिसिएशन फैक्टर्स है जिससे गाड़ी का वैल्यू कम होता है, ठीक है। वो अगर 2 साल पुराना गाड़ी है, उसने 50,000 किलोमीटर चला लिया, जैसा प्राइस होगा, 2 साल पुराना गाड़ी है 4,000 किलोमीटर चला लिया, प्राइस का वेरी वेरी बहुत सारे डिफरेंसेस रह जाता है उसमें। तो नया जो प्राइवेट सेलर है उससे गाड़ी खरीदने का जो एडवांटेज है, एक है आपका अच्छा प्राइस मिलेगा, और प्राइवेट सेलर में आप अगर दुबई में रहते, दुबई के आप आदिवासी है, तो थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा, अगर वुमेन ड्राइविंग कार है, अगर वो गाड़ी कोई लड़की अरब लड़की ने चलाया होगा या यूरोपियन ने चलाया होगा, उसका वाइफ चलाया होगा, तो गाड़ी का कंडीशन अच्छा रहता है और वो हमेशा एजेंसी रिपेयर एजेंसी सर्विस हिस्ट्री उसमें डिटेल्ड रहता है, ठीक है। थोड़ा सा प्राइस शायद नेगोशिएशन आप उस तरह से कर नहीं सकते अगर वुमेन ड्राइविंग कार, क्योंकि कार का कंडीशन अच्छा है। बंदा अगर आगे से आपको 5,000-10,000 डिस्काउंट दे रहा है, तो उसमें क्या होता है, आपका भी ट्रस्ट फैक्टर थोड़ा सा गिरता है, क्यों भाई इतना कम में क्यों दे रहा है वो गाड़ी, इसका मतलब उसमें मेजर मेंटेनेंस है। तो वैसा सिचुएशन में क्या कीजिए, आप खुल के बात कीजिए जो ओनर है उसके साथ, खुल के बात के देखिए भाई मेरा बजट जो है, आप पहले एडवर्टाइजमेंट आप चेक कर लेंगे ना कि 15,000 में कौन सा गाड़ी आ रहा है, अगर आपका बजट 20,000 है, 20,000 में कौन सा गाड़ी आ रहा है, 25 में कौन सा गाड़ी आ रहा है, तो बजट तय कर लिया, अभी ओनर के पास 2-3 ओनर के पास गए आप, उसके साथ खोल के बात करिए, देखो भाई मैं रियली एक लेने वाला कस्टमर हूँ, आपका बजट अगर 25 है थोड़ा सा कम बोलिए, 20 से स्टार्ट कीजिए, तो मेरा बजट जो है वो 20,000 है, आपका गाड़ी का प्राइस जो है आपने 30,000 लगाया 25,000 लगाया, मैं लेने वाला हूँ, लेकिन जो है मेंटेनेंस अगर वो आप करके देंगे तो हमारे लिए अच्छा है, और अगर वो मेंटेनेंस अगर आप बोलेंगे कि नहीं आप हमको ही करके, जो बायर है उसको करके लेना है मेंटेनेंस, तो उसमें नेगोशिएशन का जो प्राइस वैल्यू है वो आता है, वो फैक्ट तब आता है कि हाँ आपका गाड़ी 25,000 है, मैं आप 20,000 में अगर दे रहे हैं, इसमें कितना मेंटेनेंस है, इसमें 2,000 का मेंटेनेंस भी है, तो गाड़ी मैं क्या करूँगा 18,000 में खरीदूँगा और 2,000 मेरे जेब से मैं डाल के मेंटेनेंस करूँगा, तब आमने सामने खोल के बात होता है, नेगोशिएशन का बात होता है। तो हमेशा कोशिश कीजिए आप डुबीजल में या डुबी कार जो भी वेबसाइट्स है, वेब पोर्टल है दुबई में या रासल खुर में भी अगर जाते हैं उसमें देखिए, अगर कोई प्राइवेट ओनर है, अगर रासल खुर में भी बहुत सारे अरब्स जो है वो नया कार 1 साल के बाद 6 महीने बाद इवन 2 महीने बाद भी बेचने के लिए आते हैं, देखिए अगर अच्छा कंडीशन है उसका एक्सीडेंट हिस्ट्री चेक कीजिए, अगर आपका प्राइस में बैठता है, अगर आपका बजट 20,000 है, 20,000 आपका कैश, 20,000 आपका बजट है, तो आपको गाड़ी देखना पड़ेगा दोस्तों 15,000 वाला। हाँ दोस्तों, ये थोड़ा सा आपको 5,000 जो है हाथ में हमेशा सेफ मनी रखना पड़ेगा, वो इमीडिएट मेंटेनेंस के लिए भी आ सकते हैं, कुछ भी 5,000 अगर आप यूज कार चला रहे हैं, हमेशा 3,000-4,000 आपका बैंक पे हमेशा सेफ्टी मनी रहना चाहिए, कुछ भी कभी भी प्रॉब्लम आ सकता है, और क्योंकि आप गाड़ी अगर चलाते हैं तो आपको डेली बेस पे गाड़ी चलाते हैं, कुछ भी अगर प्रॉब्लम आ गया आपको सॉल्व करने के लिए 2,000-1,000 रातों रात निकल जाएगा। तो ये बोला, अगर यूज कार खरीदने जाते हैं पैसा बचेगा, लेकिन एज ए सेफ्टी 2-3,000 रख लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए यहाँ तक, इतना तक, ज़्यादा बकबक नहीं करेंगे, थैंक यू वेरी मच इतना टाइम देने के लिए, पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और ऐसा वीडियो मिलने के लिए, और अगर आप देखना पसंद करते हैं हमारा चैनल जो, थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को थोड़ा सा दबा दीजिए, ठीक है, ताकि हमेशा आपको अप टू डेट लेटेस्ट वीडियो न्यूज़ ये सब मिलता रहेगा, ऑफर मिलता रहेगा, नया नया जगह में क्या क्या आ रहा है दुबई में सब मिलता रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो अगले वीडियो तक सत श्री अकाल, थैंक यू, बाय।